Hello everyone, today we are going to discuss some of the basic concept related to the heart. आज हम लोग heart के related जो जो basic concept होता है वो हम लोग आज इस video में जानेंगे. So today we are going to learn some of the basic concept related to the heart in this video. First, heart क्या है? What is heart? Heart is basically a muscular organ that pumps the blood throughout the circulatory system. So heart एक muscular organ होता है जिससे पूरा circulatory system interlinked होता है. इसका location कहाँ है? Heart is located in the thoracic cavity between the lungs. So heart का location है, heart रहता है thoracic cavity में in between the lungs. Heart लगभग human heart 10 सेमी लॉन्ग होता है, मतलब बेसिकली इसका हाइट 10 सेमी के अंदर रहता है. नेक्स्ट हार्ट का वेट कितना रहता है मेल और फीमेल के कंपैरिजन, उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे. वेट ऑफ द मेल हार्ट इज बेसिकली 250 to 340 ग्राम एंड फॉर फीमेल हार्ट इट इज़ 230 to 280 ग्राम. सो मेल हार्ट इज मोर वेट, मेल हैज़ मोर वेट दैन फीमेल हार्ट. सो मेल हार्ट का जो वेट है फीमेल हार्ट से ज़्यादा होता है. नेक्स्ट हार्ट को हम लोग मायोजेनिक बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? इम्पल्स जेनरेटेड फ्रॉम द हार्ट मसल, हार्ट मसल से इम्पल्स जेनरेट होता है, इसलिए हम लोग हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं. नेक्स्ट हार्ट का कवरिंग, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हार्ट का कवरिंग क्या है. कवरिंग में जानने के लिए तीन वर्ड हम लोग को जानना पड़ेगा. एपी मीन्स आउटर साइड, मायो मीन्स मिडिल एंड एंडो मीन्स इनर साइड. सो एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. मिडिल मस्कुलर लेयर इज मायोकार्डियम एंड इनर लेयर इज एंडोकार्डियम. सो हार्ट का जो बाहर का लेयर रहता है उसको हम लोग एपिकार्डियम बोलते हैं, मिडिल का जो लेयर रहता है उसको हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं, और अंदर का जो लेयर रहता है तो उसको हम लोग एंडोकार्डियम बोलते हैं. इन दिस स्लाइड यू कुड सी अ फिगर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट. आप इस स्लाइड में एक ह्यूमन हार्ट का फिगर देख पा रहे होंगे. सो आप लोग एक ह्यूमन हार्ट का एक फिगर देख पा रहे होंगे. सेप्टम डिवाइड्स द ह्यूमन हार्ट राइट एंड लेफ्ट पार्ट. सो इस वीडियो में हम लोग एक एक हार्ट का पार्ट का लोकेशन डिस्कस करेंगे. पहला पार्ट है लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम कहाँ है? लेफ्ट एट्रियम है टॉप चेम्बर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. हार्ट का एकदम लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम रहता है, ऊपर का जो हिस्सा है उधर में लेफ्ट रहता है. नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल, द बॉटम चेम्बर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. हार्ट का जो नीचे का हिस्सा रहता है लेफ्ट साइड में उसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं. नेक्स्ट है राइट एट्रियम. राइट एट्रियम कौन सा जगह है? राइट एट्रियम है ऊपर का हिस्सा राइट साइड, और राइट एट्रियम उसके बाद है राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल क्या है? राइट वेंट्रिकल है बॉटम चेम्बर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट. बॉटम चेम्बर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट एओटा. एओटा कहाँ है? एओटा ट्यूब ऑन टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. या एओटा बेसिकली एक ट्यूब है जो लेफ्ट साइड हार्ट का लेफ्ट साइड में रहता है. नेक्स्ट पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कहाँ है? पल्मोनरी वेन है ट्यूब ऑन द फार लेफ्ट ऑन द टॉप ऑफ द हार्ट. पल्मोनरी वेन है एक ट्यूब है जो हार्ट का लेफ्ट हिस्से में एकदम टॉप में रहता है. नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरी ट्यूब ऑन द राइट ऑफ द एओटा. एओटा का एकदम ऊपर में पल्मोनरी आर्टरी है. नेक्स्ट वेना कावा कहाँ है? ट्यूब ऑन द फार राइट ऑन द टॉप ऑफ द हार्ट. सो वेना कावा इज इन द राइट ऑफ द टॉप ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट बल्ब इन बिटवीन द वेंट्रिकल एंड एट्रियम. एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में बल्ब्स रहता है. नेक्स्ट और एक पार्ट है, एक है कॉरोनरी आर्टरी. कॉरोनरी आर्टरी कहाँ में है? कॉरोनरी आर्टरी है ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट का जो सरफेस में कॉरोनरी आर्टरी रहता है.
नेक्स्ट मैंने तो पहले ही बोल दिया है इस वीडियो में पहले, फिर और एक बार बोल देता हूँ। सेप्टम, सेप्टम द डिवाइड्स हार्ट राइट एंड लेफ्ट पार्ट। नेक्स्ट हम लोग हार्ट का वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे। बाइक फर्स्ट तो ट्राइकैप्सिड वाल्व का है, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल देयर इज ट्राइकैप्सिड वाल्व एंड इन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल देयर इज बाइकैप्सिड वाल्व। सो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकैप्सिड वाल्व रहता है। नेक्स्ट है सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व का है, सेमी लूनर वाल्व मतलब है पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। दे आर प्रेजेंट वेयर आर्टरी लीव्स, जहाँ जहाँ आर्टरी हार्ट को छोड़ देता है वह सेमी लूनर वाल्व रहता है। नेक्स्ट पेरिकार्डियम, द डबल मेम्ब्रेन सैक बाय विच हार्ट इज कवर्ड। एक हार्ट के बाहर में एक डबल मेम्ब्रेन का एक सैक रहता है, उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में ये सभी हिस्सा कैसे कैसे काम करता है, हम लोग हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे रहता है, कैसे काम करता है, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।